हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। दोस्तों, ये चैनल का नाम है फोर्कलिफ्ट एंड एबी। फोर्कलिफ्ट से रिलेटेड मैंने बहुत सारी जानकारी आपको दी, एबी से रिलेटेड भी कुछ वीडियो बनाया, लेकिन वो कंपेरेटिवली बहुत कम बनाया है। तो आज मैं बताऊंगा एबी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आजकल लोग फेस कर रहे हैं, एबी ले कि ना ले। ऐसा बहुत सारा सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो गया कि लोग डर रहे हैं एबी लेने से, इलेक्ट्रिक बाइक लेने से, इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने से। तो वो रीजन क्या है कि वो डर रहे हैं? दोस्तों देखिए, आजकल जनरली क्या है ना कि आप बहुत सारे वीडियो ऐसे देखे होंगे, इलेक्ट्रिक बाइक में आग लग गई, इलेक्ट्रिकल स्कूटर में आग लग गई, ऐसा बहुत सारा केस आपने सुना होगा। तो उसका रीजन क्या है? लोग इससे डर रहे हैं। उस तो देखिए, जब भी आप लेने जाएंगे, आपने कहीं आग लगा हुआ सुन ले कि गाड़ी चलते चलते आग लग गई, एक दो लोग का मतलब मौत भी हो गया आग लगने से, क्योंकि वो बच के निकल नहीं पाए आग से जल्दी से। तो कुछ जगह की आग लगने का शुरुआत हुआ, धुआं निकला तो लोग उतर गए, साइड में गाड़ी खड़ी कर दी तो बच गए। मतलब आग लग रही, अल्टीमेटली आग लग रही है और आपके जान माल के नुकसान होने की चांसेस हैं। तो लोग डर रहे हैं ईवी लेना है कि नहीं लेना है। लेकिन ईवी लेना नहीं लेना ये दूसरी बात है, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ईवी में आग क्यों लग रही है। आग लग रही है तो उसका क्या करना चाहिए और अपने को बचने के लिए क्या करना चाहिए। ईवी एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ईवी लेना ही चाहिए, लेकिन उसके पहले आपको छोटी छोटी दो चार जानकारियां हो तो आप ले। क्योंकि कोई भी आप पेट्रोल गाड़ी लेने जा रहे हैं, डीजल गाड़ी लेने जा रहे हैं, तो क्या करते हैं आप लोग, कोई इसी एक्सपर्ट को उठा के कहते हैं चलो भाई मैं ये गाड़ी ले रहा हूँ, चलो देखो कि इसमें ये फीचर है तो इससे अपना अच्छा रहेगा क्या। लेकिन ईवी वाले केस में आज की डेट में क्या है, कोई एक्सपर्ट नहीं है, कोई नहीं, मतलब कोई नहीं, इवन कंपनियां जो बना रही उनको खुद नहीं पता वो कैसे बना रहे हो, क्यों बना रहे हो इसका। क्योंकि R&D जब तक नहीं होगा तब तक उनको पता नहीं चला आखिर प्रॉब्लम क्या और सॉल्यूशन क्या है। कोरोना वाले केस में शुरुआत में जैसे क्या हुआ था कि कोरोना का कुछ भी आ रहा था, लोग उसको हाइपर हो जा रहे थे, इवन गवर्नमेंट तक हाइपर हो जा रहे थे। गवर्नमेंट लेवल उसके कितने बड़े बड़े डॉक्टरों की टीम हो गया, लेकिन किसी को कुछ पता ही नहीं था, R&D नहीं हो रहा था। जब धीरे 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 लोगों की मौतें या फिर उस पर दवाई का एक्सपेरिमेंट हुआ या फिर ये हुआ, फिर ऐसे करते करते धीरे धीरे लोगों को पता नहीं, ये करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, वो करेंगे तो वैसा नहीं होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा करेंगे तो वैसा नहीं होगा, तो वो धीरे धीरे समझ में आया। तो इसी ईवी का केस में ये समझ नहीं तरह का भी कोरोना का फर्स्ट स्टेज है, एक तरह से बोले तो कोरोना का फर्स्ट स्टेज है या फिर ईवी का फर्स्ट स्टेज है, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेज में कंपनियों को या लोगों को पता ही नहीं होता है कि क्या करने से अच्छा होगा और क्या करने से खराब होगा। और सबसे बड़ा आज के डेट में जो अपना कम्पिटिटिव मार्केट में है, मतलब सस्ता होना चाहिए और वस्तु अच्छा होना चाहिए, जरूरी ये है। तो सस्ते करने के चक्कर में भी कुछ झोल हो जाता है और करना पड़ता है। तो देखिए, मैं ज्यादा आपका ये तो इंट्रोडक्शन समझिए हो गया, इंट्रोडक्शन मतलब ईवी के क्या कैसे हो रहा है, लेकिन ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा, मैं पॉइंट पे चलता हूँ। मेरा पॉइंट है आज का टॉपिक है ई बाइक में आग क्यों लग रही है, यदि लग रही है इसमें क्या करेगी ना लगे, या कंपनियों को क्या करना चाहिए कि ना लगे, या फिर आपको क्या देख के लेना चाहिए कि उसमें आग नहीं लगने के चांसेस ज्यादा हो, नहीं लगने के चांसेस ज्यादा। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। तो सबसे पहले हम समझेंगे ईवी में जो बैटरी यूज होती है वो किस टाइप की यूज होती है, कौन सी बैटरी यूज होती है। जनरली आपने जो बैटरी देखा होगा, घड़ी में भी बैटरी लगी रहती है, तो वो पेंसिल बैटरी रहती है, पेंसिल बैटरी डबल ए साइज की बैटरी रहती है, उसमें आपको कार्बन रहता है और जिंक रहता है, वो उस टाइप का निकल कैडमियम बैटरी उसको या फिर बोल सकते हैं, इस तरह की बैटरी है। लेकिन उसके बाद आप एक ऐसी बैटरी देखो जो घर में इन्वर्टर में लगता है, या फिर गाड़ियों में एक बैटरी 12 वोल्ट की लगी रहती है, वो सब H2SO4 बैटरी या फिर उसको लेड एसिड बैटरी बोल सकते हैं। लेकिन लेड एसिड बैटरी बड़ी होने के साथ साथ भारी होती है और कम पावर स्टोर करती है, इसलिए क्योंकि गाड़ियों को बहुत ज़्यादा पावर चाहिए और हल्का हो, उस हिसाब से कि गाड़ियों का माइलेज ज़्यादा हो और पावर ज़्यादा दूर तक चले, गाड़ियाँ ज़्यादा दूर तक चले पावर ज़्यादा होने से, इसलिए लेड एसिड बैटरी को इसमें यूज करना सही नहीं है, क्योंकि भारी हो जाएगा और पावर भी कम रहेगा। इसलिए इसमें एक अलग तरह की बैटरी यूज होती है, उसको बोलते हैं लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन बैटरी होता है, ये बैटरी क्या है ना, सभी बैटरियों का चचा है, समझे, ये बैटरी सभी बैटरियों का चचा है। चचा ऐसे है, ये तो पहले बहुत हल्की होती है, ऊपर से इसमें इतना ज्यादा पावर स्टोर होता है, इतना ज्यादा पावर स्टोर होता है कि मतलब हद से ज्यादा, बाकी बैटरियों के कंपेरिजन में भी कहीं नहीं है। होते हैं ना कि अंबानी का कंपेरिजन मेरे से कर रहे, तो मतलब मैं अंबानी के सामने कोई टीवी समझिए अंबानी है तो हमें लेड एसिड बैटरी है, ऐसा समझ लीजिए, इतना ज्यादा कोई कंपेरिजन ही नहीं है बैटरी, उस इतना ज्यादा इसमें पावर स्टोर होता है। लेकिन एक इसका ड्रॉबैक ये है कि एक छोटे से जगह में ज्यादा आदमी ठूंस दीजिएगा तो उसका इम्पैक्ट तो आएगा ना, एक छोटे से जगह में ज्यादा आदमी ठूंस दो तो उसका इम्पैक्ट आएगा। एक रूम में यदि किसी जगह एक रूम में कोई चार आदमी रह रहा है, उसमें 400 आदमी ठूस दो तो क्या होगा, तो वहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर वहाँ का
प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती है। इसमें वैसा ही है, एक छोटे जगह में ज्यादा पावर स्टोर किया जाता है, ज्यादा ठूसा जाता है, इस वजह से यदि ज्यादा ठूसेंगे तो इसमें ओवर टेम्परेचर का इश्यू बनेगा, ऐसा कुछ कारण से आपको इसमें प्रॉब्लम होता है। लेकिन आपको वो आगे बात करेंगे, लेकिन इसमें हमें बताया उसका कंस्ट्रक्शन क्या है। इसमें देखिए दो चीज रहता है, लिथियम रहता है और कोबाल्ट रहता है। लिथियम का आयन होता है यूज आपको इसके लिए, जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग प्रोसेस के लिए, लिथियम का आयन चार्जिंग और डिस्चार्ज, लिथियम आयन जो यूज होता है, ध्यान से देखिएगा वीडियो, देखना जरूरी पड़ेगा आपको, लिथियम आयन यूज होता है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग प्रोसेस के लिए यूज होता है, एंड डिस्चार्जिंग प्रोसेस के लिए, ठीक है ना। और इसमें एक और चीज मिलाया जाता है सेफ्टी फीचर के लिए, वो बोलते हैं कोबाल्ट। कोबाल्ट का काम क्या है, इस बैटरी को ज्यादा गर्म होने से बचाना, मतलब इस बैटरी को एक तरह से सेफ्टी फीचर प्रोवाइड करता है, ओवर टेम्परेचर से प्रोटेक्शन, मतलब थोड़ा सा ओवर टेम्परेचर और शॉर्ट सर्किट इस तरह से एक तरह का प्रोटेक्शन देता है, लेकिन इंटरनली देता है, PERATORE, ठीक है, ऐसा कोबाल्ट होता है। लेकिन ये तो इंटरनल बैटरी के अंदर में ये सारे केमिकल डाले होते हैं, ये सारे चीजें डाली होती है। लिथियम आयन बैटरी जब चार्जिंग साइकिल होता है उस समय भी, कोई भी बैटरी जब आप चार्ज कर रहे हो तो गर्म होगा, डिस्चार्ज कर रहे तो गर्म होगा, तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का जो टाइम है, जब डिस्चार्ज किया उसके बाद थोड़ा टाइम रुक के आपको गाड़ी चलानी चाहिए ताकि वो ठंडा हो जाए, फिर यूज करें। कोबाल्ट है ओवर टेम्परेचर से रोकने के लिए, लेकिन कोबाल्ट का एक लिमिटेड पार्टिकल ही आप यूज कर सकते हैं, लिमिटेड क्वांटिटी ही आप उस बैटरी में यूज कर सकते हैं। इसके बाद इन सब का एक कंट्रोलर होता है, ये बैटरियों को, ये बैटरियां ना एक नहीं, जैसे आपने लेड एसिड बैटरी देखते इतनी बड़ी बैटरी एक देखते, तो वैसा ये वो होता नहीं है, एक बैटरी से नहीं, हम लोग जो भी लिथियम आयन बैटरी देखते बैटरी पैक होता है, हम लोग के पास लिथियम आयन बैटरी का पैक होता है, लिथियम आयन बैटरी का पैक होता है। और पैक का मतलब समझ रहे हैं, बहुत सारे सेल्स छोटे छोटे बैटरियों का एक कंबाइंड मिश्रण को बैटरी पैक बोलते हैं। तो छोटे छोटे बहुत सारी बैटरियों को सीरीज में पैरेलल में कनेक्ट करके उसको एक बैटरी पैक बनाया जाता है, ताकि उस जिस मशीन में लगने जा रहा है उसको पूरा पावर दे सके। तो लिथियम आयन बैटरी पैक जो होता है, तो बैटरी पैक में जितने सारे बैटरी सेल्स लगे होंगे छोटे छोटे, उन सबको चार्ज और डिस्चार्ज का कंट्रोल करने के लिए, ओवर टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए एक BMS लगा होता है। BMS ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, BMS का पूरा नाम होता है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। ध्यान रखिएगा, आपको कहीं जरूरत पड़ सकता है, आपको यदि मन हो तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैनेजमेंट सिस्टम, ऐसे तो मेरा वीडियो ऑलरेडी आपके यूट्यूब पे मिलता ही रहेगा। BMS का नाम पूरा होता है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो बैटरी पैक जो होता है, बैटरी पैक ध्यान रखिए, बैटरी पैक में जो बहुत सारे अलग अलग सेल्स होते हैं, मान लिया एक एक में 10-10 हजार सेल रहते हैं, 50-50 हजार सेल रहते हैं बड़ी बैटरियों में, ये आपका स्कूटर और बाइक में नहीं भी तो कम से कम तो आपको 2-3 हजार सेल रहेंगे, 1500 सेल तो छोटे से छोटे बैटरियों में रहेगा। तो वो आपको उस तरह से इसमें बैटरी मैनेजमेंट, सभी बैटरियों को एक साथ मैनेज कर, कोई चार्ज कर रहे हैं तो कोई बैटरी ज्यादा चार्जिंग ले लेगा, कोई बैटरी कम चार्जिंग ले लेगा, पैरेलल में लगा है, तो उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए BMS लगा रहता है और सभी सेल्स को बराबर चार्जिंग देता है, और डिस्चार्जिंग के टाइम पे भी सभी सेल से बराबर चार्जिंग बराबर डिस्चार्ज करता है, ताकि कोई भी सेल अनबैलेंस ना हो। और ये BMS का और भी फंक्शन है, ये तो एक बेसिक फंक्शन हुआ कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के टाइम में सभी सेल्स को इक्वली चार्ज और डिस्चार्ज करेगा। इसका और भी फंक्शन है, इसका काम है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ओवरलोड प्रोटेक्शन, ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन। तो ये बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का काम है ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन। ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन मतलब यदि आप चार्ज कर रहे हैं उसमें ज्यादा गर्म हो गया बैटरी, तो BMS क्या करेगा, पावर को काट देगा, भाई अभी ओवर टेम्परेचर हुआ, अभी रुको, अभी हम चार्ज नहीं होने देंगे बैटरी को। यदि इसका एक और केस बता दो, यदि बैटरी को आप डिस्चार्ज कर रहे हैं, डिस्चार्ज करने का मतलब आप गाड़ी चला रहे हैं और BMS को पता चल गया बैटरी ओवर टेम्परेचर हो रहा है, तो भी आपको बैटरी का पावर काट देगा, बोलेगा भाई रुक जाओ अभी थोड़ा देर, बैटरी बहुत ज्यादा गर्म हो गया है, अभी थोड़ा देर रुक के फिर चलेंगे जब ठंडा होगा। तो ये BMS का काम है, या फिर कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया तो भी आपको ये पावर काट देगा। ओवरलोड हो गया, जरूरत से ज्यादा, मान लो 10 एम्पियर का लोड कंटिन्यू उस पे चाहिए और 20 एम्पियर का लोड, 15 एम्पियर का लोड दे दिया, तो भी वो पावर काट देगा। इसका काम ही वही है, पावर काट देना, सेफ्टी फीचर में लाना,
सेफ्टी फंक्शन में लाना, ये बीएमएस का काम है। मतलब आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा हो रहा होगा, थोड़ा थोड़ा अंदाजा भी आपको हो रहा होगा कि जो बैटरियां जल रही हैं कारण किसका है ना, समझ रहे हैं। बीएमएस का फेलवर आप एक तरह से बोल सकते हैं, एक तरह से क्या, मैं आगे प्रूफ करूंगा, ज्यादातर चांसेस है बीएमएस का ही फेलवर के कारण ही बैटरियों में आग लग रहा है, ज्यादातर चांसेस ऐसा है, कहीं कहीं नहीं भी हो सकता है, मैं आगे बात करूंगा। आप समझ गए बैटरियों का, बैटरियों का कंस्ट्रक्शन और बैटरियों का काम कैसे होता है, इस लिथियम आयन बैटरी का काम क्या है, कैसे है, आगे बढ़ो। आग लगने के कारण, आग लगने के पहला कारण मैं बोलता हूं कि जो भी बैटरियां इंडिया में यूज हो रही है जनरली चाइना या फिर अलग अलग कंट्रियों से लाके यूज हो रही है, समझ रहे हैं, चाइना या फिर अलग अलग कंट्रियों से लाके यूज हो, लेकिन चाइना का जो वेदर है इंडिया से कंपेरेटिवली थोड़ा ठंडा है, ध्यान रखिएगा। जैसे जर्मनी से आ रहा है तो अमेरिका से आ रहा है, एग्जाम्पल के लिए बताओ, जहां जहां से अभी आ रहा है हमको नहीं पता, लेकिन चाइना से तो आ रहा हो पता है, तो उन सब कंट्रियों का वेदर थोड़ा कोल्ड है इंडिया से, सही नहीं, कोल्ड है। यदि वहां पे सपोज मानिए कि ऑन एन एवरेज 30 डिग्री टेम्परेचर रहता है तो वो उस हिसाब से बैटरी को डिजाइन किए होंगे कि 30 डिग्री टेम्परेचर में ये बैटरी सस्टेन करेगा कि नहीं, काम करेगा कि नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। लेकिन हमारे यहाँ तो भाई साहब 45-48 रहता है, 48 डिग्री टेम्परेचर। अब भाई 30 और 48 में आसमान जमीन का फर्क है, 30 में हम लोग को ठंडा लगेगा, यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएगा, 48 डिग्री रहता है, अब ये बैटरियाँ कहाँ से यहाँ पे सस्टेन करेगी। तो डिजाइन देखे, डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि जिस कंट्री में वो सप्लाई की जा रही है वहाँ का वेदर कैसा है उसके हिसाब से डिजाइन होनी चाहिए, या फिर इसीलिए बोलते हैं वोकल फॉर लोकल। आपको लोकल बैटरी यदि लेंगे, सही बैटरी, ऐसे लोकल तो ठेला छाप वाले दे रहे थे, सही बैटरी यदि लेंगे तो ये आपके देश के हिसाब से, आपके एनवायरमेंट के हिसाब से डिजाइन रहेगा और वो उससे बेहतर चलेगा जबकि वो इम्पोर्टेड है। कभी कभी बोलते हैं ना इम्पोर्टेड वस्तु खराब हो गई, लेकिन बात वो खराब नहीं था, वस्तु खराब इसलिए हो गई क्योंकि आपके हिसाब से, आपके वेदर के हिसाब से, आपके कंडीशन के हिसाब से वो सस्टेन नहीं कर पाया। और इंडिया में होता है ना हमारे वो ठेले पे जाके बनवा लो इससे ज्यादा चलेगा, क्योंकि वो इस वेदर के हिसाब से उसको पता चल गया डिजाइन कैसे करना है, इसलिए वो उसका बेहतर चलता है। एक रीजन ये हो सकता है कि दूसरे कंट्री से जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं उसको ये डिजाइन हम नहीं बता पा रहे हैं कि हमारे यहाँ इस कंडीशन में हमको बैटरी चाहिए, इस कंडीशन में बनानी चाहिए, क्योंकि हम खुद अभी एक्सपर्टाइज नहीं हो पाए कि हमको बैटरियां या फिर मशीनें कैसी बनानी। धीरे धीरे R&D होगा, 4-5 साल लगे उसको, देखेगा एक भी गाड़ी जलने का केस नहीं आएगा, ऐसा ही होता है और ऐसा ही होगा। R&D होने दीजिए, ऐसा कुछ नहीं, ये भी खराब नहीं है चीजें। एक कारण तो ये हो, दूसरा कारण ये हो सकता है कि देखिए अपनी भी थोड़ी सी गलती है। मैं क्या बोलूं, जब भी आप कोई बैटरी को चार्ज करते हैं तो तुरंत आप यूज मत करिए, तुरंत नहीं, मतलब 15-10 मिनट थोड़ा सा रुकिए, क्योंकि चार्ज होते टाइम वो बैटरी गर्म हुई है, चार्ज होते टाइम वो बैटरी गर्म हुई, तुरंत आप यूज उसको करने लगे, चलाने लगे तो फिर और गर्म ही होगी, ठंड ही नहीं होने का उसको मौका मिलेगा, थोड़ा और गर्म होता, गर्म होते 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 तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो एक्सप्लोड होगा, फट जाएगा। तो उस केस में आपको जब चार्ज कर रहे हैं, चार्ज करने के बाद आपको कम से कम 15-20 मिनट ऑन एन एवरेज, 10 मिनट भी छोड़ो, देख लो बैटरी का कंडीशन, उसके बाद आप यूज करें, उसके बाद आप गाड़ी को यूज करें, समझे, आफ्टर इतने के बाद समझे, ताकि ये बैटरी को ठंडा होने का टाइम मिले और फिर उसके बाद नॉर्मली चलने लगे। हालांकि ये जैसे ही ओवर टेम्परेचर होता है बीएमएस को डिटेक्ट करके बंद करना चाहिए। मैं बीएमएस पे लास्ट पॉइंट पे आऊंगा, ये सारी चीजों को आप कवर कर लो, ये दो चीजें हो। तीसरी आपको एक और चीज बताता हूँ, जब आप बैटरी को चार्ज कर रहे हो या डिस्चार्ज कर रहे हो उस समय उसके आसपास में मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। मॉइस्चर होने से क्या होता है, देखिए कोई भी पानी में कहीं पावर सप्लाई है उसमें पानी में डाल दो वायर को तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होता है, गर्म हो जाएगा पानी, शॉर्ट सर्किट। तो वैसे बैटरियां जब चार्ज हो रही है दोनों बैटरी, और यहाँ पे मॉइस्चर का पार्ट है, सपोज मैंने दोनों पॉइंट है प्लस माइनस बैटरी का, यहाँ पे मॉइस्चर का पार्ट है तो क्या होगा, चार्ज होगा डिस्चार्ज होगा, लेकिन ये जो बैटरी होगा इंटरनली हल्का हल्का माइनर शॉर्ट सर्किट होगा, शॉर्ट सर्किट होगा तो क्या होगा, ये एक तरह से डिस्चार्ज होना शुरू होगा तो समझिए एक तरह से वो गर्म होना शुरू हो जाएगा। तो ये यहाँ पे मॉइस्चर नहीं होने चाहिए बैटरियों के आसपास, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। या फिर आप गाड़ी को वॉश कर रहे हैं तो आपको बैटरी निकाल के नीचे रखिए और उसके बाद आप वॉश करें, या फिर बैटरी रिमूवल नहीं है तो आप ध्यान रखें कि बैटरी के आसपास पानी जाने का एक बूंद व्यवस्था ना हो, या फिर कोशिश करिए वॉश करना ही नहीं है, आप कंप्रेस्ड एयर से वॉश करिए या फिर हवा से उसको क्लीन करिए, कपड़े से क्लीन करिए, वॉश करने का सोचिए मत। आज की डेट में ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आप मत, मैं तो किसी को नहीं बोलता, टेक्नीशियन भी इतना एक्सपर्ट नहीं है, जहाँ पे आप सर्विस करवाने जा रहे हो सर्विस सेंटर में कुछ नहीं है उसके पास ज्ञान, जीरो नॉलेज मैं बता रहा हूँ, उसको भी नहीं पता है, उसको भी आप बोलो भाई मेरी गाड़ी को तो वॉश नहीं करेगा, कपड़ा मार
पोछा मार कपड़ा भिंगा के लेकिन वॉश नहीं करेगा, हवा मार उसको भी नहीं पता। आप ये मत आंख बंद कर लो ऐसा कि भाई मैं तो सर्विस सेंटर आ गया इनको तो बहुत अच्छा नहीं लगे, तो भाई भगवान ऐसा कोई नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ। एक और चीज बताता हूँ, ये वास वाली कंडीशन तो हो गई आपको। एक और चीज बताता हूँ आपको, बैटरियों का ना थोड़ा बहुत केयर करना पड़ेगा। बैटरियां आदि पड़ी हैं कहीं पे, तो आपको यदि उसमें से कुछ गंध आ रही है, कुछ अलग तरह का आपको लग रहा है, या फिर गाड़ी रात भर रखी है और सुबह भी आप बैटरी पे हाथ लगाए तो थोड़ा टेम्परेचर उसमें दिख रहा है, इसका मतलब बैटरी का इंटरनल सेल शॉर्ट सर्किट है, इसलिए वो बैटरी अभी भी गर्म है, क्योंकि रात भर में उससे कोई यूज नहीं हुआ। गाड़ी बंद है, चार्जिंग साइकिल बंद है, फिर भी वो गर्म है, इसका मतलब इंटरनली वो कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट कर रहा है और वो अपना पावर लॉस कर रहा है, इसलिए वो गर्म है। तो उस केस में फिर आपको सर्विस सेंटर या फिर जाके दिखाना चाहिए और फिर बैटरी रिप्लेस करना चाहिए। सारी चीज़ों का लगने का कारण है, देखिए बेसिक कारण यही दो तीन है, लेकिन मेन में BMS पे आता हूँ। BMS का काम क्या है, मैं क्या बोला, शॉर्ट सर्किट हुआ तो भी बंद करेगा, ओवर टेम्परेचर हुआ तो भी बंद करेगा, ओवरलोड हुआ तो भी बंद करेगा। तो क्या हुआ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि चार्ज करने के बाद 10 से 20 मिनट तक आप रुकिए फिर चलाए, क्यों भाई, ये BMS क्या करेगा। BMS का काम है ना कि भाई गर्म होगा तो बंद कर दो गाड़ी को, ही हम खड़ा हो जाएंगे, टेंशन क्यों लेना। ये BMS का फेलियर है। BMS लो क्वालिटी बेस्ड यदि है या फिर दूसरे देश के हिसाब से डिजाइन है जहाँ पे 30 डिग्री टेम्परेचर है, तो इसको जो डिटेक्ट करते करते टाइम लगेगा ना, और टाइम लगा तब तक बैटरी फट जाती है, ये ऐसा है BMS का डिजाइन। तो वोकल फॉर लोकल बहुत जरूरी है। आजकल जो गाड़ियाँ ये भी बन रही है ना, बहुत सारे वोकल फॉर लोकल लिख तो देते हैं स्टिकर, लेकिन होता नहीं, वो सब कुछ चाइना से इम्पोर्ट होता है, जर्मनी से होता है, जो ठंडे प्रदेश हैं ज़्यादातर वही वो लोग देते हैं बैटरी, तो उनके हिसाब से डिजाइन होता है। आप इस बात को ध्यान रखें, आप बहुत केयरफुल रहें। आज की डेट में किसी को नहीं मालूम, जो गाड़ियाँ बना रहे हैं ना प्लांट में बैठे ना लोग, उनको भी नहीं पता है कि करना क्या है। R&D होते होते 5 साल लगेगा, उसके बाद जाके गाड़ियों से आने लगेगी, लेकिन ई वी गाड़ी अच्छी होती है, मैं आपको 100% श्योर करता हूँ। तो ये BMS का भी फेलियर हो सकता है। एक और चीज़ बता दूँ, लिथियम आयन बैटरी, आपने मोबाइल देखा है, मोबाइल की बैटरी आपने देखा, नोकिया वाली बैटरी पहले खुलती थी, उसका बैटरी तो जरूर देखा होगा आपने, हालांकि आजकल के मोबाइलों को भी आप लोग तो बड़े बड़े इंजीनियर खोल के देखे होंगे बैटरी कैसा होता है, वही लिथियम आयन बैटरी है। लेकिन उस बैटरी में देखते हैं ऊपर से एक मेटल का कवर होता है, मेटल एकदम फुल एयर टाइट होता है, उसमें से हवा भी ना अंदर आ सके ना बाहर जा सकता, ऐसा एयर टाइट होता है। तो वो जो ऊपर का जो कवर है मेटल है, उस मेटल को ऐसा डिजाइन होना चाहिए कि उसके अंदर जो गैस जनरेट हो रहा है वही आयन है, जो लिथियम आयन है ना, वो अंदर गैस जो जनरेट हो रहा है वही चार्ज, वो गैस को किसी वस्तु किसी डब्बे के अंदर पैक कर दे, अंदर गैस भर दे, तो एक लिमिट तक वो बर्दाश्त करेगा, इतना गैस मैं स्टोर कर सकता हूँ, उससे ज्यादा करेंगे तो फट जाएगा। तो वो ये जो ऊपर का कवर है, ऊपर का कवच उसको बोले तो, कवच है जो बैटरी का ऊपर का, उसमें मेटल का, वो मेटल इतना इस हिसाब से डिजाइन होना चाहिए कि अंदर मान लीजिए कि कुछ भी एक्स एयर है, एक्स एयर हम उसमें भर रहे हैं, तो उस एयर को बर्दाश्त कर सके और कंट्रोल कर सके। ट्यूब में देखते हैं हवा भरते जाए भरते जाए फट जाए, लेकिन उस ट्यूब का एक लिमिट होता है कि भाई 10 टन का ट्रक है तो उसमें ये वाला ट्यूब डलेगा, और अपनी छोटी सी अल्टो है तो ये वाला ट्यूब डलेगा, क्योंकि उसकी लिमिट है, इतना डालेंगे नहीं डालेंगे इस तरह का ट्यूब तो वो फट जाएगा, कमजोर डालेंगे। तो उस हिसाब से डिजाइन होंगे, तो बैटरी का जो पैक है उसके ऊपर जो कवर रहता है मेटल का, वो मेटल का कवर उस हिसाब से डिजाइन होने चाहिए कि अंदर जितने चार्ज हैं उसको कंट्रोल, मतलब उसको हेल्ड कर सके, थोड़ा मजबूत, मेरा कहने मतलब थोड़ा मजबूत वो कवर होना चाहिए ताकि वो फटे नहीं, क्योंकि जब तक ये फटेगा नहीं, जब तक आग तब तक आग लगेगा नहीं, इसकी गारंटी है, जब तक ये फटेगा नहीं कवर तब तक आग लगेगा नहीं, जब तक ये बर्दाश्त करता रहेगा जितने चार्ज है उतने लेने का अंदर कंट्रोल करने का, तब तक ये आग नहीं लगने वाला। तो एक मेजर रीजन ये भी हो सकता है कि बैटरी का डिजाइन जो है, सस्ता करने के चक्कर में इतना मेटल हल्का कर दिया गया है कि वो बैटरियां आज के डेट में अपने अंदर के चार्ज को स्टोर नहीं कर पा रही, वो फट के बाहर आ जा रही है, समझे। ज़्यादा खा लेने से पेट फट जाएगा, एक लिमिटेड खाना चाहिए, लेकिन जितना आपको खाने की कैपेसिटी उस हिसाब का आपका पेट तो हो, तो ये पेट को ही हल्का मेटल का बना दे रहे हैं, क्योंकि उसमें स्टोर नहीं होना एनर्जी कर पा रहा है। आग लगने के कारण के रोकथाम, ये तो मैंने पहले ही बताया, आप देखिए BMS पे तो आज के डेट में भरोसा नहीं कर सकते, बैटरी पे भी भरोसा नहीं कर सकते। यदि आप ईवी ले रहे हैं तो मैं आपको एक्सपर्ट बना रहा हूँ, आप ये समझ लो कि आप ये नहीं करोगे तो नहीं लगेगा। गाड़ी बैटरियाँ ये क्या बोलते हैं, ये गाड़ियों के मालिक ओकिनावा ओला ये सब जो बुड़बक बना रहे हैं, बुड़बक बना रहे थे जान, उसको खुद नहीं पता है, वो क्या बता रहे हैं ना कि यूजर की गलती थी, शॉर्ट सर्किट हो गया था, गर्मी में गाड़ी खड़ी कर दी थी,
ऐसा कुछ नहीं होता भाई, गर्मी में गाड़ी खड़ी करके बीएमएस किस लिए लगाया तूने? शॉर्ट सर्किट हो गया था इसलिए वो गाड़ी आग लगे रहे, तो तूने बीएमएस क्यों लगाया भाई? बीएमएस है ही इसी काम के लिए, लगाया क्यों? शॉर्ट सर्किट हो गया, कैसे आग लग गई? वो सब बुड़बक बना रहे हैं आपको, बुड़बक 100% बता रहा हूँ, बुड़बक बना रहे हैं आप, जानबूझ के नहीं बना रहे, उनको खुद नहीं पता है। उनको गाड़ी जब आग लगे तो उनको आग लगने पर मिलता क्या राख, उसमें क्या पता चलेगा कैसे वो शॉर्ट सर्किट हुई, और मिल भी जाए तो उनको पता नहीं चलेगा इसको शॉर्ट सर्किट बोलते। मैं 100% बता रहा हूँ, आप यूट्यूब पे सर्च मारो, जो ये वीडियो मैंने बना रहा हूँ ना, ऐसा कोई चैनल ही नहीं है यूट्यूब पे, मेरा चैनल रन ही नहीं करता, मैं किस पे ऐड डालूं, मैं किसको बोलूं, किसको फॉलो करूं, कुछ नहीं, ऐसा चैनल ही नहीं है, तो किसी को नहीं पता है। आप मेरे चैनल को फॉलो कर लेना इसी बात में, ठीक है। आप बताते आग लगने के रोकथाम, एक तो आपको भाई साहब देखिए इन पे भरोसा तो कर नहीं सकते, इन्होंने जो चीजें लगाई उस पे भरोसा तो कर नहीं सकते, अपनी जानकारी अपनी सेफ्टी। आप 15 से 20 मिनट रखो चार्जिंग के बाद, उसके बाद यूज करो। गाड़ी ज्यादा गर्म हो रही है बैटरी तो आप साइड कर दो, कुछ महकने का आ रहा है तो आप थोड़ा देर रुक जाओ और चेक कर लो अपने हाथ से, ठीक है। इसके बाद उस पर बैटरी के आसपास मॉइस्चर नहीं रहने दे, यदि मॉइस्चर उसको पोछा मार दें, क्लीन कर दें एकदम। गाड़ी को पानी से नहीं धोना है, मैं तो कहता हूँ भींगे कपड़ों से भी मुश्किल से ही ध्यान दे के आप पोछना, हवा से कर सकते हैं आप, हवा में भी नमी नहीं होनी चाहिए, कभी कभी कंप्रेस्ड एयर में ना हल्का नमी रहता, नमी नहीं होनी चाहिए, वो ध्यान रखना। इन सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपकी बैटरी सेफ रहेगी और आप इजीली आपको ईवी को चला पाएंगे। एक और चीज़ मैं डिजाइन में जानना चाहता हूँ, डिजाइन में आपके लिए नहीं, यूजर के लिए नहीं, भी डिजाइन वालों के लिए बोल रहा हूँ। ये जो लिथियम आयन बैटरी बहुत कम होता है जो चीज़ मैं बोलने जा रहा हूँ, लेकिन लिथियम आयन बैटरी पैक में यदि ओवर टेम्परेचर ये बीएमएस डिटेक्ट करता है, पहले तो आपका बीएमएस डिटेक्ट ही नहीं कर रहा है ओवर टेम्परेचर, यदि डिटेक्ट करता है तो उसको एक चाहिए कि एक फैन लगा होना चाहिए, कूलिंग फैन बैटरी के लिए, कि जैसे बीएमएस एक ओवर टेम्परेचर डिटेक्ट किया और बैटरी पैक पे कूलिंग फैन लगा होना चलने लगे, थोड़ा टेम्परेचर जल्दी कूल हो जाए, ऐसा कुछ होना चाहिए। कुछ बैटरियों में होता होगा, मैंने देखा होता होगा शायद, लेकिन यदि नहीं होता है तो डालना चाहिए, और कुछ में होता होगा तो सब में होना चाहिए, क्योंकि वो कूलिंग फैन लग जाएगा तो आधे प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे आपके। और बीएमएस को आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, कि बीएमएस का जो कैपेसिटी है इंडिया के हिसाब से डिजाइन करनी पड़ेगी। जनरली आप देखे होंगे ये आग लगने का केस क्या है, साउथ इंडिया में ज्यादा होता है, बेलूर में हुआ है, इधर साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा। अभी हमारे यहाँ पे 40 के आसपास, अहमदाबाद में हूँ 40 के आसपास है, 40-42, अभी उधर 45 के आसपास, 45-46 होगा, और भी बढ़ेगा, 48 तक जाएगा, इसलिए जल रही है क्योंकि वहाँ पे एवरेज टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो आपको इस हिसाब का ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं आग लगने के लिए आपको पहले किसी भी गाड़ी को लेने जा रहे तो उसका पहले एक्सपर्ट होना पड़ेगा, और किसी पे भरोसा मत करो, कोरोना वाले ने एक से एक झूठ बताने वाले हैं, डॉक्टर तक झूठ बोल, उनको खुद नहीं पता कि बोलना क्या है और सही में क्या था, वो भी झूठ बोल रहे और हम लोग मान रहे थे। और इस केस में भी अभी यही है, कोरोना एक तरह का फर्स्ट स्टेज भी है, इसमें किसी को कुछ नहीं पता। आगे बढ़ते हैं, हम क्या करें कि आग न लगे, आपको बता ही दिया आग लगने का कारण है, उसका रोकथाम भी इसी में बता दिया, मैंने टॉपिक गलत लिख दिया, ज्यादा लिख दिया, तो क्या ईवी लेना चाहिए? अपने पास इतना सारा परेशानी बता दिया तो क्या ईवी लेना चाहिए? अब ये भी तो है, यस 100% लेना चाहिए, ईवी बहुत अच्छी है, आपके पॉकेट को बचाती है। जनरली लोग रूमर क्या फैलाते, अरे यार ईवी को तो 60 की स्पीड में चलाएंगे तो ज्यादा एवरेज देगा, फिर चार्जिंग कहाँ करेंगे ना? अरे भाई साहब, आज के डेट की ईवी जो आ रही है, मैं टाटा नेक्सोन, टाटा टिगोर की बात कर रहा हूँ, उसमें क्या है, आप 40 या 50 मिनट में एक आपको ठीक से आ जाए 80% चार्ज कर सकते हो। भाई साहब, यदि उस गाड़ी का माइल 100 किलोमीटर एक चार्ज में चलना है, तो आप यार 40 मिनट तो यार टॉयलेट करने के लिए, खाने के लिए रुक जाते हैं भाई साहब किसी होटल पे, आप 80 किलोमीटर चला सकते हैं 40 मिनट में, और कौन सा आपको स्कूटी से 1000 किलोमीटर जाना है, समझ रहे हैं? ये कहां से गलत है आप बताओ, किधर से चार्जिंग? और ये सिंगल आपको डोमेस्टिक सॉकेट में लगता है इसकी चार्जिंग, जहां पे आप रुकेंगे ना वहां पे एक्सटेंशन लेकर के भाई साहब हमको चार्ज लगाना 50 रुपये ले लेना, दे देगा 20 रुपये ले लेना, चार्ज लगाने दे देगा, आराम से वो वायर लगाओ फटाक से चार्ज करो, पूंजीगत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगी तब होगी, अभी मौज करो भाई साहब। लेना है ईवी, लेना है ईवी पे जाना, अपना एनवायरमेंट को भी बचाना, अपने बच्चों को क्या लेके जाओगे आप, आग धुआं, ठीक है ना? आप बोल रहे हैं कि ईवी का बहुत लोग रूमर फैलाते हैं, ईवी की बैटरी बनाने के लिए पहले इतने कार्बन एमिट कर दिया, भाई साहब आपने देखा है क्या, आपने देखा है क्या कितने कार्बन एमिट, सब झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा इमिट नहीं होता है, ईवी अच्छी है, सब ऊपर बैठे लोग इतने बुड़बक नहीं है। हाँ, और एक और बात, अभी तो देखिए आपने कभी ये सुना है कि फोर व्हीलर ईवी में आग लग गई?
नहीं सुना होगा, हालांकि मैंने भी नहीं सुना। आगे एक आदमी लग जाए तो वो उसको मतलब क्यों, क्योंकि उसकी बैटरी पैक जो है इतनी बड़ी रहती है, मतलब बहुत बड़ी रहती है, बहुत बड़ी बैटरी पैक। मतलब यदि टेम्परेचर यहाँ बढ़ रहा है तो इतना बड़ा एरिया तो उसमें टेम्परेचर फैल जाएगा और धीरे धीरे वो जल्दी ठंडा हो जाएगा और ये कोशिश करेगा, समझ रहे ना, इतनी बढ़िया। अभी यहाँ पे मान लीजिए इस सेल में प्रॉब्लम, इस सेल में शॉर्ट सर्किट है तो ये पूरा मेटल का एरिया उसको टेम्परेचर ठंडा करने में लग जाएगा, पूरा एरिया बड़ी सी बैटरी पैक है। लेकिन यदि इतनी छोटी सी बैटरी पैक है यहाँ पे आग लग गई तो इसमें कितना जल्दी ठंडा होगा, बात यह है। तो बड़ी गाड़ियों में और बड़े इसमें नहीं आग लगता है, छोटे स्कूटरों में बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट बैटरी डाला जा रहा है और फुल्ली चाइना से मंगाया जा रहा है, थोड़ा सा भी R&D नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसमें आग लग जा रही है और लगने का रीजन सिर्फ यही है। आप ये सारे कंसीडर करके चलो, हो जाएगा। अब मैंने पंखा लगाने की बात की बैटरी पे, तो अब खुद पंखा मत लगा देना, और लगाना तो मेरे जितना दिमाग पहले लगा लेना तो लगाना, लगाने से कोई दिक्कत नहीं, आप खुद भी लगा सकते हो, मैं 100% श्योर करता हूँ आप लगाओगे तो अच्छा ही फायदा ही होगा उस पंखे से, लेकिन आप पहले पूरा R&D कर लेना लगाना। हो सकता है कि आप जो पंखे लगा रहे हो गलत जगह से पावर सेलेक्ट कर रहे हो तो वो उल्टा घाटा ही करेगा, आप सही से देख के लगाना, ठीक है दोस्तों। EB बिल्कुल लेना चाहिए, EB पे एक दो और वीडियो मैं बनाऊंगा ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर सबके साथ कर दिया, दुनिया को पता चलनी चाहिए भाई EB को करना कैसे है, EB लेना है कि नहीं लेना है, उनका डिसीजन हो जाए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जाते जाते आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया, बेल आइकन दबा लीजिए, ऐसी वीडियो आपको फटाफट मिलती रहेगी। EB में आपको मास्टर बना के रख दूंगा मैं, EB से इलेक्ट्रिकल सेक्शन में आपको मास्टर बना के रख दूंगा मैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।